क्या होगा, वो थोड़ा बैलेंस होना लगेगा। तो आपको आप इजीली, मतलब आप अगर 40 ईयर्स का है, मतलब 40 ईयर्स में आपका जैसा लुक होना चाहिए उससे आपका कम होगा, क्योंकि आपका रिपेयर का ये बढ़ रहा है, मतलब आपका डैमेज से रिपेयर बढ़ रहा है। तो मेनली यही है ट्यूटेरियल एंटीऑक्सीडेंट, आपको उसी तरह से आप अगर यूज करेंगे तो आपका वो जो रिपेयर सेल जो रिपेयर होता है उसको, उस मैकेनिज्म को आपका सपोर्ट करेंगे और उसको बूस्टअप करके उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने से ऑटोमेटिक आप, मतलब एज के हिसाब से आपको यंग देखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हम टोटल एंटी एजिंग, मतलब एक सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो आप लोग इसीलिए ये टोटल एंटी ऑक्सीडेंट को आप लोग, मतलब समझाइए आदमी लोग को कि यही चीज है, ये चीज के लिए हम लोग को टोटल एंटी ऑक्सीडेंट जो सप्लीमेंट है ये लेना चाहिए, क्योंकि ये लेने से क्या होगा, हमारा जो मतलब डैमेज सेल है, डैमेज सेल से हम लोग जो हमारे जो रिपेयर सेल्स होता है वो रिपेयर सेल्स को हम लोग बढ़ा सके, वो मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो आपका मतलब वो मैकेनिज्म है वो हम लोग मतलब अच्छा कर सके। तो इसीलिए हम लोग टोटल एंटीऑक्सीडेंट को लेना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे मैं प्रोडक्ट बोलने जा रहा हूँ वो है आपका आर्थोवेस प्रोडक्ट। ये आर्थोवेस प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जॉइंट्स, पूरा शरीर तो जॉइंट से बनाया बनाया गया है। जॉइंट्स मतलब आपका हाथ हो या उंगली में है, सब में जॉइंट है। जॉइंट्स क्या होता है, आपका जब दो हार्डी मतलब दो बोन जब ऐसे जॉइन होता है तो उसे जॉइंट्स बोलते हैं। लेकिन अभी अगर वो दोनों हार्डी अगर ऐसे टकराएंगे, आप जानते हैं ऐसे अगर लगा हुआ है ऐसे टकराएंगे तो क्या होता है, दर्द होता है। आप खुद भी अगर ऐसे देखेंगे तो आपको जोर से मारने से आपको दर्द होता है। लेकिन अभी हमारे शरीर में तो सब जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स को अभी अगर हम लोग को क्योंकि मूवमेंट तो करना है, जॉइंट्स को मूवमेंट करने से अगर लगा हुआ होगा, अगर मूवमेंट करेंगे तो ये ऐसे दोनों साइड में लगेंगे, लगने से क्या होगा, आपका दर्द होगा। तो इसीलिए हमारे शरीर नेचुरल वे से ऐसे बनाया हुआ है कि जो जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है, जो फ्लूइड मतलब एक लिक्विड फ्लूइड रहता है जिसे आपका साइंटिफिक वर्ड में आपका सिनोवियल फ्लूइड ऐसे नाम से बताते हैं साइंटिफिक वर्ड, मतलब मेडिकल टर्म्स में। तो वो फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जब रहता है तो वो फ्लूइड के हिसाब से वो इतना स्लीपी जैसा है, वो फ्लूइड के हिसाब से आप जब करते हैं मूवमेंट करते हैं तो मतलब दोनों बोन के अंदर आपका पकड़ नहीं होता है, तो आपको इसलिए फील नहीं होता है। लेकिन जब ये क्या होता है, वो फ्लूइड जब सूखने लगता है या उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो फ्लूइड जब नहीं रहते तो वो बोन आपस में टकराना लगते हैं। तो क्या होता है, हम लोग उससे क्या बोलते हैं, तब दर्द होना शुरू होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो आर्थराइटिस, या जो हिंदी में हम लोग कभी बात भी बोलते हैं हम लोग, मतलब वो बीमारी होना शुरू हो जब भी, क्योंकि अभी देखिए यंग यंग लड़के को आपका जॉइंट्स पेन है या स्पाइनल कोर्ड में जॉइंट्स में पेन है, स्ट्रेस लेवल ये सब बढ़ गया है, इसीलिए जब सूखने के कारण ये अभी जो बोन्स का जो बोन्स के दो बोन्स के बीच में वो फ्लूइड सूखने से अभी आपस में टकराना लग शुरू हो जाता है और इसीलिए हम लोग को पेन आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अभी सभी जानते हैं कि आर्थराइटिस का कोई भी अगर जॉइंट्स पेन ये सब बोलते हैं आर्थराइटिस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि आर्थोबेस प्रोडक्ट को आपको लेना है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि आपका जॉइंट्स का पेन है तो आर्थोबेस लेना है। लेकिन किसी को जब बोलते हैं ये चीज, उनको ऐसा लगता है, मैं जो फील किया हूँ, मैं जो सुना हूँ मतलब बातचीत करके, उनको ऐसा फील होता है कि आर्थोवेस प्रोडक्ट ये पेन किलर जैसा है, मतलब जॉइंट का पेन है मतलब आर्थोवेस दे दो ये पेन किलर है। लेकिन हमारा आर्थोवेस पेन किलर नहीं है, वो उसका सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम है कि आर्थोवेस जब आप खाएंगे, खाने से क्या होगा, आर्थोवेस वो पेन को आपको नहीं हटाएंगे, वो क्या करेंगे, आपका बीच का जो वो फ्लूइड है जहां से प्रोडक्शन होता है वो आर्थोवेस काम करके उस फ्लूइड को प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो प्रोडक्शन फिर से होने से क्या होगा, आपका जॉइंट में फिर फ्लूइड भर जाएगा, भर जाने से क्या होगा आपका, तब वो स्लीपी के कारण आपका हड्डिया जो मतलब टकराना बंद कर देगा, तो पेन नहीं होगा, तो इसीलिए आपका पेन भी बंद हो जाएगा, आपका जॉइंट्स का जो पेन था वो बंद हो जाएगा, साथ में आपका वो फ्लूइड आने के वजह से अच्छे से आपका काम होगा। तो इसीलिए आर्थोबेस काम कर रहे हैं एक्चुअली ऐसे। लेकिन हम लोग जब बताते हैं कोई भी आदमी को कि आपका जॉइंट पेन है तो आर्थोबेस ले लीजिए, वो आदमी को लेकिन ऐसे ही लगता है कि आर्थोबेस के लिए अगर जॉइंट्स पेन के लिए ये लेना है मतलब ये पेन किलर है, लेकिन ये पेन किलर नहीं है, वो चीज को आपको अच्छे से उनको समझाना है। इसीलिए कोई सोच के लेता है कि पेन किलर है इसीलिए लेता है, लेने के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बोलेंगे कि मैंने तो आर्थोबेस लिया था, आपने बोला था कि जॉइंट्स पेन के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा तो दर्द अभी भी है, क्योंकि उसको तो 1 महीना या 3 महीना तो सही है वो फ्लूइड को काम कराने के लिए,
इसलिए 2-3 महीने के बाद ही तो वो काम करना शुरू होगा, वो प्रोडक्शन होना शुरू होगा। तो इसीलिए आप लोग पहले जब समझा देंगे उसको पूरा मेकानिज्म, तब वो समझ के, तब वो समझेगा हाँ ठीक है मुझे तो 2-3 महीना खाना ही है, तब उसके बाद ही मेरा काम होगा, तब वो आपको क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, आपको आपके लिए वो 3 महीने तक खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। 3 महीने खाने के बाद जब उनका फ्लूइड मतलब प्रोडक्ट होना शुरू होगा, तो प्रोड्यूस होना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा उसका पेन खत्म होगा, फिर पेन नहीं होने से अपने आप आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छा फीडबैक देंगे। तो इसीलिए आप लोग वो मैकेनिज्म को समझा दीजिए आदमियों को, मतलब जब भी किसी को देते हैं आठ ओवेस्ट। तो यही 3 प्रोडक्ट्स आज मैं बताने के लिए सोच रहा था, तो अभी बताया, तो मैं जितना हो सके मेरे तरफ से आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए कोशिश किया। तो अभी इसके बाद मैं यहीं मेरा सेशन समाप्त करके मैं मनोज सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, ताकि वो आपको बिजनेस प्लान के बारे में समझाए। तो ओवर टू यू सर।